अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ हमारे पास नेशनल सेविंग से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, कुछ अच्छी न्यूज़ से बता दिए कि कंफर्म न्यूज़ है, सर्कुलर इशू नहीं हुआ लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो माइनर सा गिरा है, 20-30 रुपए कम हुआ है। बहरहाल लोग वेट कर रहे थे कि बढ़े लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 20-30 रुपए अगर बढ़ जाता तो लोग खुश हो जाते। ये आपका 1380 रुपए जो भी करंटली मिल रहा था, अगर ये 1400 रुपए, ये 1410 रुपए तक भी चला जाता लोग खुश हो जाते। एक राउंड ऑफ फिगर 1400 रुपए या 1410 रुपए, 1420 रुपए आपको मिल रहा है। लोग बड़ी बेचैनी से वेट कर रहे थे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा, लेकिन 10 अप्रैल 2023 के बाद कोई 5-6 महीने गुजर गए, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का रेट नहीं बढ़ा और फाइनली ये न्यूज़ भी आ गई। इवन सर्कुलर पे भी काम शुरू हो गया कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम होना शुरू हो गया है। जब चीज़ें कम होनी शुरू होती हैं तो फिर हम इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते कि बढ़ेंगी भी। हम ये नहीं कह सकते अभी कम कर दी, अगले महीने जो है या दो महीने बाद जो बहबूद, अभी तो 20-30 रुपए कम हो गए, 2-3 दिन बाद बढ़ जाएगा दोबारा। नहीं, जब बहबूद का रेट कम होना शुरू होता है तो 2-3 दिन बाद मुसलसल कम ही हो रहा होता है। इसी तरह जब बढ़ना शुरू होता है तो फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा था, अभी डाउन ट्रेंड में आ गया था, मतलब अब ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही रहने के चांसेस है। अल्लाह नोज बेटर क्या होता है। बहरहाल आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं है, जिक्र उसका इसलिए आ गया क्योंकि एक ही सर्कुलर इशू हो रहा है जिसमें जो है जनाब एक या दो सर्कुलर, मतलब सर्कुलर इशू हो रहा है एक ही डेट में जिसमें जो है एक तरफ बहबूद का रेट कम हो रहा है, दूसरी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैंने अपने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉफिट बहुत कम था। लेकिन अभी जो है जो सर्कुलर इशू होने वाला है तकरीबन रेडी है, 1-2 दिन के अंदर सर्कुलर इशू हो जाएगा। मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने भी इसको कंफर्म किया है कि इसका प्रॉफिट रेट जो है उसमें इजाफा हुआ और ज़बरदस्त इजाफा हुआ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉफिट में मजीद इनकम इजाफा होने के चांसेस है, ये मजीद बढ़ेगा, ठीक है। अभी जो इजाफा हुआ कोई 90-100 रुपए के दरमियान हुआ, 90-100 रुपए के दरमियान हुआ है इजाफा, और ये मजीद बढ़ेगा, मतलब आने वाले महीने 2 महीने में मजीद ये 100-150 बढ़कर तकरीबन ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो प्रॉफिट है वो आपको 1300 रुपए का तक टच करेगा, ठीक है जनाब। चलते हैं वीडियो की तरफ, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इस पर बहुत सारी वीडियोज बनाई है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से, जब जब प्रॉफिट इसका चेंज हुआ है। अभी प्रॉफिट चेंज हो गया, सर्कुलर हमारे पास नहीं आया अभी, लेकिन प्रॉफिट चेंज हो चुका है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ, और जो नया प्रॉफिट है उसके मुताबिक हम आज की वीडियो बनाएंगे। नया प्रॉफिट देखेंगे क्या है, टैक्स कितना कटेगा उस पर, फाइलर पे कितना कटेगा, नॉन फाइलर पे कितना पड़ेगा, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट हर महीने आपको कितना मिलेगा, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आपको हर महीने मिलता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, नेशनल सेविंग की दो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, थी, लोग सबसे ज़्यादा इन दो प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते थे। एक तो सबको पता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, और जो दूसरी प्रोडक्ट थी वो थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन पिछले चंद महीने या चंद सालों के दरमियान रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट इस हद तक कम कर दिया गया कि लोगों ने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। जो पुराने लोग हैं 4-5 साल पहले जो लिया है उनके पास रेगुलर सर्टिफिकेट मौजूद है। तो जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को दोबारा से मिनिस्ट्री डिवीजन और नेशनल सेविंग ऊपर लेकर आ रहा है। अभी इसका अच्छा खासा रेट बढ़ा है, आने वाले दिनों में उम्मीदें ज़्यादा बढ़ेगा, 1300 तक जाएगा। बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं जनाब। ये 1993 में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री डिवीजन ने या नेशनल सेविंग ने लॉन्च किया था। इसकी मैच्योरिटी 5 साल तक होती है, आज आप लेंगे तो 5 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। प्रॉफिट रेट मंथली मिलता है इसका। अच्छा ये है जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा डिनोमिनेशन की बात करेंगे, कितने कितने के सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तो 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000 और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के। अच्छा मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, कैश और चेक, यानी कि आप कैश काउंटर पर जाएंगे, कैश देके रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट
ले सकते हैं। इसके अलावा चेक है, पे ऑर्डर है, बैंकर चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, तो ये सारी चीजें देकर आप ले सकते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, ये डिटेल ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पर मंथली प्रॉफिट मिलेगा। और अच्छा, हु कैन इन्वेस्ट ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। अच्छा, ये कौन लोग ले सकते हैं, ये तमाम पाकिस्तानी ले सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी ले भी ले सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हों। अच्छा, उसके अलावा क्या है, आप जॉइंटली भी इसको ले सकते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को, और इसके अलावा एक या दो माइनर के साथ भी जो है वो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर वो माइनर की कंडीशन ये होगा कि आपको इसके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अभी आगे चल के मैं हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हाउ टू परचेज, बहुत ही सिंपल है कि जो भी मैंने आपको बताया, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको नेशनल सेविंग की किसी न किसी ब्रांच का विजिट करना होता है, वो ब्रांच जो आपके घर या ऑफिस के करीब हो, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्शन वो लगा सकते हैं कि आप रहते हैं कराची की इस जगह पे, आपका ऑफिस इस जगह पे, तो इन दोनों से करीब जो ब्रांच है वहाँ आप लें, इतनी दूर आके आप क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ये इशू है, ये बैंक्स का रूल है कि जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे वो आपके या तो घर के करीब हो या फिर ऑफिस के करीब हो। अगर घर और ऑफिस के करीब नहीं, कहीं दूर जाके आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो रीज़न क्या है इतनी दूर जाके क्यों अकाउंट खोलना है। बहरहाल हम टॉपिक से आउट हो जाएंगे। तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट किस तरह ले सकते हैं, नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करें जो आपके घर या ऑफिस के करीब हो, ठीक है। और जनाब वहाँ पे आप जो है वो इनका एक फॉर्म होता है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, वो फिलअप करेंगे, CNIC कॉपी देंगे, चेक है तो चेक बुक देंगे, चेक देंगे या फिर कैश देंगे, और आपका आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है जनाब। CNIC कॉपी है, अगर ओवरसीज पाकिस्तान है तो NICOP है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो यानी कि पाकिस्तान से बाहर चला गया हो, उसके पास वहाँ कोई नेशनलिटी मिल गई हो, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड देता है, तो उस पर भी आप ये ले सकते हैं। अच्छा जनाब, अगर चिल्ड्रन होगा तो CRC फॉर्म यानी कि बे फॉर्म जिसको कहते हैं आप, जो नादरा CRC फॉर्म बना रहा है यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो देके जो है आप ये ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अच्छा, मैं मोड ऑफ ड्राफ्ट में बता चुका हूँ आप लोगों को कि आप कैश काउंटर पर नहीं, कैश दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, पे ऑर्डर, ये दे के जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। लिमिट की बात करें तो मिनिमम लिमिट 50,000 की, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 50 करोड़ के लिए या 5 अरब के लिए। बहरहाल अब तो पाकिस्तानी करेंसी की रेट रेट इतना वैल्यू इतनी गिर गई कि हम धड़कर के कहते हैं 50 करोड़ और 5 अरब। बहरहाल ये बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क के पैसे ही वैसे डिवैल्यू हो रहे हैं। एक गाड़ी जो आज से 2-4 साल पहले 15-20 लाख की मिलती थी, वो 60-60 लाख रुपए की मिली, अल्लाह माफ़ करे इस मुल्क में। बहरहाल इनकैशमेंट की बात कर लें। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लेने के बाद आप ये सर्टिफिकेट कभी भी इनकैश करवा सकते हैं, लेकिन इस पर चार्जेस कटेंगे, 1, 2, 3 और 4 साल तक चार्जेस कटेंगे, और 4 साल के बाद आप जब भी इनकैश करवाएं आप पे कोई चार्जेस नहीं लगे। अच्छा, पहले साल में इनकैश करवाते हैं तो 2% चार्ज लगेगा, दूसरे साल में करवाते हैं तो 1.5% चार्ज लगेगा, तीसरे साल में करवाते हैं तो 1% चार्जेस लगेगा, और अगर चौथे साल के अंदर यानी 3 साल से 4 साल के अंदर इनकैश करवाते हैं तो 0.50% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, ठीक है जनाब। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात मैं अभी करता हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पे तो पुरानी रेट ही अपडेट है, मैं आप लोगों के साथ नया प्रॉफिट रेट के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ज़कात की बात कर लें और इनकम टैक्स की बात कर लें, तो इनकम टैक्स तो आपको फाइलर पे 15% देना है, नॉन फाइलर पे 30% देना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ज़कात जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट IC इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात डिटेक्शन, ये इन्होंने मेंशन कर दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स है नॉन फाइलर पे, तो आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे, तो 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन, कैश का ट्रांजेक्शन कम की करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, विथ होल्डिंग टैक्स बच जाएगा, आप चेक इशू कर दें उसका, ठीक है, सबसे बेहतर ऑप्शन ये। तो पर डे 50,000 या 50,000 कम की ट्रांजेक्शन करें, विथ होल्डिंग टैक्स बच जाएगा आपका। अच्छा, ये जो पुराना इनका प्रॉफिट रेट अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो 1260 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता था, ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या मिलता है आपका इनकम टैक्स काटने के बाद। तो हम आगे जनाब इस पे जो पुराना प्रॉफिट मिल रहा था, अब मैं बताऊं आप लोगों को कि जो आपका जो नया प्रॉफिट रेट है वो 16.08%, ठीक है। अच्छा, पुराना प्रॉफिट रेट क्या था, इसलिए मैंने खोल के रखा, वो पुराना प्रॉफिट था आपका 15.12%, ठीक है, 15.12% था, और अभी जो है
वो आपका हो गया है 16.08%, ठीक है। यानी कि एक साल में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट वो 16,080 रुपये मिलेगा, ठीक है, और मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1,340 रुपये। यानी कि जो डिफरेंस आया है वो तक 90-100 रुपये, 90 रुपये का डिफरेंस है वो आया है 1,00,000 पे 100 रुपये, 90 रुपये जो आपको ज़्यादा मिलेगा। पहले आपको मिलता था 1,050 रुपये, ठीक है, अब मिलेगा 1,140 रुपये, 1,139, 1,140 रुपये बन रहे हैं बेसिकली। तो 1,140 रुपये यानी कि 90 रुपये प्लस हो गया, 90 रुपये ज़्यादा मिलेगा आपको। तो 90 रुपये का डिफरेंस अगर आ गया, मतलब 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा 1 लाख पे, 10 लाख के होंगे तो 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो बहरहाल कुछ तो बेहतरी आई है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, 1,050 से कम से कम 1,140 रुपये तक तो हम आ गए, 1,140 रुपये हमें इस पर प्रॉफिट मिलेगा। अभी भी बहुत कम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट, अभी भी बहुत कम है, लेकिन ये आने वाले 2-4 महीनों तक के अंदर ही ये 1,300 रुपये तक जाने वाला है। बहरहाल चलते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है। तो जनाब साल का प्रॉफिट बन रहा है 16,080 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,340 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 201 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,140 रुपये या 1,139 रुपये, 1,140 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा, 1,140 रुपये 1 लाख पे। तो अब ये बात करें तो हम फाइलर की बात कर लें, नन फाइलर की, तो नन फाइलर पे जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है, जो सालाना प्रॉफिट बन रहा है 16,080 रुपये, ठीक है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है वही 1,340, लेकिन नन फाइलर पे टैक्स 30%, जिसकी अमाउंट बन रही 402 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 938 रुपये हर महीने आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप नन फाइलर पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आपको फाइलर में कन्वर्ट करवाएं। बहरहाल जनाब 1,140 रुपये आपको मिल रहा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर, अभी भी कम है, लेकिन बहरहाल कुछ तो डे बाई डे कुछ तो बेहतरी आ रही है। 1,100 कहाँ 900 था, फिर 1,000 की फिगर में आया, अभी हम 1,140 तक में 1,150 की फिगर तक पहुंच गए। इंशाल्लाह 1-2-3 महीने के अंदर ये 1,300 भी या 1,300 या 1,300 भी क्रॉस करेगा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। जनाब ये थी आपकी अपडेट। सर्कुलर अभी इशू नहीं हुआ जनाब, सर्कुलर हमारे पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है, तकरीबन कन्फर्म है कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, और ये बन गया है आपका जाके 1,340 रुपये टैक्स काटने के बाद 1,140 रुपये में। तो 1,340 रुपये जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बन गया है, कन्फर्म न्यूज़ है। सर्कुलर का वेट करें, हम भी वेट कर रहे हैं, अगर आएगा सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।